किया है। नदी आयोग के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने बड़वानी पहुंचकर कलेक्टरेट परिसर में पीपल का पौधा लगाया, वहीं नाव के माध्यम से नर्मदा नदी के किनारों का भी निरीक्षण किया। इसके पूर्व उन्होंने बावन गजा पहुंचकर जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी और मुनि श्री विराट सागर जी महाराज से मुलाकात की। कंप्यूटर बाबा ने कलेक्टरेट परिसर में अपने हाथों से एक पीपल का पौधा रोपकर मंशा जाहिर की कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा करे, जिससे हमारा पर्यावरण नदियों के किनारे हमेशा रमणीय बने रहे। राजघाट पहुंचकर कंप्यूटर बाबा ने नाव के माध्यम से नर्मदा के किनारों का भी निरीक्षण किया। इसके पूर्व उन्होंने सर्किट हाउस बड़वानी में नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह चौहान से भी चर्चा कर नर्मदा नदी में कहां कहां गंदा पानी का नाला मिलता है उसकी जानकारी प्राप्त की। साथ ही उपस्थितों को बताया कि उनका प्रयास है कि मां नर्मदा हमेशा स्वच्छ रहे, कलकल बहती रहे। इसके लिए नर्मदा के किनारे बसे स्थलों का दौरा कर देख रहे हैं कि कहां पर क्या किए जाने की आवश्यकता है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। बड़वानी दौरा हमारा, नर्मदा में आवेश हमें, नर्मदा में गंदगी, इस प्रकार की कोई भी जो यहाँ पे गंदगी वगैरह हो रही है, जो जानकारी हमें तो मिली कि नर्मदा में गंदा नाला जो है शहर का जाता है, उसे आज मौका पर देखना और पौधा रोपा करना। तो कलेक्टर में हम लोग सभी मिलकर के, आप और हम सब मिलकर के पौधा रोपण करेंगे और इस जिले को सभी भक्तों को संदेश भी देंगे, जनता राम दयानंद को संदेश देंगे कि एक पौधा जरूर लगाओ और उसे बड़ा करें। अपने माता पिता के नाम से कम से कम एक पौधा सभी जनता जनता को लगाएं, उसका भी हम लोग आज संदेश दें। रेत खनन को रोकने के लिए क्या उपाय क्या है आने चाहिए? देखिए, रेत अवैध खनन शिवराज सरकार जितने बड़े स्तर पर हो गई थी, उसे हमारी सरकार कमलनाथ सरकार जो है उन्होंने बहुत कम कर, मतलब हम लोगों ने जब से हम लोग को बनाया है तब से तो हम लोगों ने लगातार छापे मार रहे हैं, रात में भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, बहुत सारे हम लोगों ने पकड़े भी, पर इतना बड़े स्तर से हो गया था, उसे कम करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। पर कमलनाथ सरकार का स्पष्ट मनसा है उनकी और निर्देश भी है कि किसी हालत पे नर्मदा में अवैध खनन नहीं होगा, सहायक नदियों में अवैध खनन नहीं होगा, ये कलकल बहेगी और स्वच्छ साफ बहेगी, इसके लिए हर सब प्रयास करेंगे। आपकी सरकार बनने के बाद 5 लोगों की मौत हुई है यहाँ पर अवैध खनन से। देखिएगा, वही बात है, पर सवाल ये है कि इतने बड़े स्तर से होने, यहाँ क्या पूरे प्रदेश में शिवराज सरकार में अवैध खनन होता है, जिसके लिए हम लोग भी संत समाज भी पूरा लड़ता रहा और यहाँ तक कि हम लोगों ने उस पर सरकार से जब हम लोगों को बनाया गया था, हम लोग इसी बात से तो हम लोगों ने उसका इस्तीफा भी दिया और इसीलिए दिया था इस्तीफा कि आप नर्मदा में अवैध खनन रोके, पर उन्होंने रोका नहीं और सब ने, मुझे लगता है नर्मदा ने ही शराफ दी शिवराज सरकार को कि आज सरकार बाहर हो गई और कांग्रेस की सरकार आ जाई है। तो कमलनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी मनसा बहुत स्पष्ट है कि नर्मदा में तो किसी सूरत पर अवैध खनन नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी। आपने दिग्विजय सिंह की जितने की भविष्यवाणी की थी, क्या हुआ आपकी भविष्यवाणी? नहीं, हमने भविष्यवाणी नहीं की थी, आपको गलत जानकारी है, हमने अनुष्ठान किया था। संसार का नियम है कि हर साधु संत आम पब्लिक सभी लोग का दायित्व होता है कि अपने लोगों के लिए पूजन पाठ किया जाता है, फिर एक्सेप्ट करता है ऊपर वाला, कभी अच्छा भी करता है कभी नहीं भी करता है, तो हमें सब बात पे एक्सेप्ट करना चाहिए ऊपर से, ऊपर वाले की, यदि वो जो चाहता है उसके अनुरूप हमें भी चलना चाहिए। भाजपा का आरोप है वर्तमान सरकार उद्योग को ट्रांसफरों में उद्योग कर रही है और वो पैसा कमा रही है इसको। अरे भाई, सरकार अब उनको चिंता क्यों हो गई भाई इनकी? कांग्रेस सरकार अभी 6 महीने में, अभी 3 महीने तो चल पाए, 3 महीने तो लगातार आचार संहिता लगी रही, तो कुछ काम ही नहीं कर पाए। अब वो चिंता ना करें, उन्होंने इतने घोटाले किए थे। अरे हम भी आपको आपके माध्यम से बोलने जा रहे हैं कि अभी हमने मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि जो 7 करोड़ पौधे इन्होंने एक दिन में लगाए थे और मध्य प्रदेश के नर्मदा के किनारे और नदियों के किनारे तो कहीं दिखे नहीं रहे, इसलिए हम मांग करेंगे कि SIT का गठन करें और जाँच